और इस वक्त आप देख रहे हैं कि रूबी भैरव बाबा पर माला अर्पण कर रही हैं और बड़े ही सुकून से बैठ गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नमस्कार करती हुई भैरव बाबा को। और आइए इस वक्त आप देख रहे हैं कि लड़के के ऊपर से जलते हुए आग के गोले से जम किया रूबी ने। और आइए आप देख सकते हैं कि लड़के के सर पे से रूबी आग के गोले के बीचों बीच से किस तरह से जमकर करते हुए ये आइटम पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कुत्ते ने नहीं किया है जो रूबी ने किया है। और आइए अब आपको ले चलते हैं कि रूबी को किस तरह से आंख पे पट्टी बांधकर इस आग के गोले से उदाया जा रहा है। ये क्षमता और ट्रेनिंग की ही तो करामात है जो जावेद आलम जी ने आंख पे पट्टी बांधकर इनको ट्रेनिंग दी। रोड व्हीलर जैसे खतरनाक कुत्ते को इस तरह की ट्रेनिंग आ रहा। आप सामने देख रहे हैं कि तीन अंडों पे किस तरह से रूबी खड़ी है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी अंडा इसमें से टूटेगा नहीं। किस तरह से बैलेंस बनाती और हैरत अंगेज कारनामों के साथ कर रही है ये बहुत बेहतरीन स्टंट। और जावेद आलम जी ने इसको वहां से उतारा और वो अभी आपको अंडे फोड़ के दिखाएंगे कि एक भी अंडा टूटा नहीं है, ये देखिए, बल्कि तोड़ा जा रहा है जानबूझकर। और किस तरह से 10 फुट के पाइप पर सीढ़ियों पर चढ़ती रूबी को आप बाखूबी देख सकते हैं। रोड व्हीलर जैसे कुत्ते को ट्रेन करना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन जावेद आलम जी ने बाखूबी इस काम को करके दिखाया। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि रूबी 10 फुट ऊंचे पाइप पर चल रही है सीढ़ियों के जरिए एक एक स्टेप करके, किस तरह से ये अपने पंजों के बल पे चल रही है खड़े पाइप पे एकदम। और देखिए अब वो खड़े पाइप पर किस तरह चलने की तैयारी कर रही है। एक एक पैर बड़े ही सोच समझ के साथ रख रही है। किस तरह से ट्रेन किया गया होगा ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ना बहनों भाइयों। आपके सामने है हैरत अंगेज कारनामा ट्रेन किया है जावेद आलम जी ने। और वापस की ओर आती हुई चारों तरफ देखती हुई रूबी ये सब कुछ जता रही है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर इंसान चाहे। और इसी तरह एक जोश और रवानी के साथ जावेद आलम जी ने रूबी को ट्रेन किया, जबकि रोड व्हीलर जैसे कुत्ते को ट्रेन करना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी आसानी से खुदा की मेहरबानी से काम हुआ। और वापस आती हुई रूबी एक एक पैर को जमाते हुए किस तरह से वापस आ रही है। कहते हैं कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ हुई तकदीर का शिकवा ना करो। कोशिश की जावेद आलम जी ने। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि रूबी को आंख पे पट्टी बांधी जा रही है और किस तरह से आंख पे पट्टी बांधकर ये 8 फीट के ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने की तैयारी करते हुए चढ़ रही है। और बड़े ही आसानी के साथ में, क्योंकि इसको ट्रेनिंग जो दी गई है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई है, ऊपर चढ़ती हुई रूबी और सीधे पाइपों पे आपके सामने अब किस तरह से पंजों को जमाते हुए वो चल रही है। जिंदगी मौत के कारनामे, हैरत अंगेज कारनामे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में किए रूबी ने और कराया यह हैरत अंगेज कारनामा मिस्टर जावेद आलम जी ने। और वापस आती हुई रूबी, यूं तो आपने लाखों डॉगियों को कुत्तों को देखा होगा, लेकिन रूबी जैसी मिसाल दुनिया में कहां है। वो तो सिर्फ हिंदुस्तान के मेरठ में है। पुलिस लाइन के मिस्टर जावेद आलम जी ने इनको ट्रेन किया। अब बड़ा ही बाखूबी इन्होंने अपना काम दिखाया। नाम है रूबी। और किस तरह से गोल चक्कर पर लगाया गया कागज का पर्दा और जम करते हुए रूबी ने बड़े ही आसानी से, आपने अपनी जिंदगी में घोड़ों को जम करते हुए देखा होगा, लेकिन रूबी घोड़े के ऊपर से जम कर रही है। आप देख रहे हैं
बड़ा ही मुश्किल काम को आसान कर दिया गया जब सिखाया गया रूबी को किसना बढ़िया जम किया। और अब लड़के के बीच में से जम करती हुई मोटरसाइकिल के ऊपर से रूबी दो बाइकों के ऊपर से जम किया। रूबी ने एक बार फिर दिल वाले घेरे से जम करेगी और ये जम किया कागज को फाड़ते हुए। यूं तो हर कुत्ते में सूंघने की क्षमता होती है लेकिन सिखाना भी एक चीज होती है। किस तरह से जम कर रही है अलग अलग तरीके से। और अब आप देख रहे हैं कि आंख पे पट्टी बांधकर रूबी ने जम किया। एक बार फिर देखिए आप कि किस तरह आंख पे पट्टी बांधकर रूबी जम करती है। जिंदगी मौत के कारनामे में बेहतरीन स्टंट कराया गया जावेद आलम जी ने। और एक बार फिर देखिए किस तरह से जम किया रूबी ने बच्चे ताली बजाते हुए और किस तरह से मुंह में रसगुल्ला रखे हुए रूबी। और जो जब तक ये नहीं कहेंगे ये रसगुल्ला नहीं खाएगी। और इस वक्त ढेर सारे बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में से निकलती धीमे धीमे रोलिंग करती रूबी। यूं समझिए कि जैसे इसको जो सिखाया जा रहा है बस वही कर रही है। और अब किस तरह से टोपी को उतारेगी ये देखिए। टोपी को उतारा रूबी ने और वापस लाके दिया। और अब देखिए कि मूंछों को उतार कर लेकर आएगी रूबी। और अब किस तरह से मूंछों को उतारा रूबी ने और ये वापस देगी जावेद आलम जी को। और इसके बाद बारी आ रही है लड़के ने चश्मा लगा रखा चश्मे को उतारा और किस तरह से वापस जावेद आलम जी को दिया। और कोई इंसान अगर इतनी तगड़ी तरीके से बांधे रस्सी तो कोई भी नहीं खोल पाएगा लेकिन रूबी एक बार में ही बंधी हुई गांठ को खोलेगी। तो समझिए कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है इसको। ये देखिए एक ही बार में रूबी ने इस गांठ को खोला और किस तरह से आंख पे पट्टी बांध कर ये नमस्कार कर रही है और स्लिप करती हुई रोल करती हुई स्लिप करती हुई और रोलिंग करती हुई रूबी ट्रोलिंग करती हुई रूबी को आप देख सकते हैं। ये जावेद आलम जी हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया और आंख पे पट्टी बांधकर अभी आपने देखा कि किस तरह से उसने जम किया फिर दोबारा जम किया। रोड व्हीलर जैसे कुत्ते को सिखाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये देखिए कितने ही प्यार से वो किस तरह हिटखलिया खाती हुई चलती हुई रोलिंग करती हुई रूबी बच्चों की तरह उछल कूद करती हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो इस समय कर रही है। जो उसको बताया जा रहा है रूबी वही कर रही है। और किस तरह लड़के को पकड़कर लेकर आ रही है जैसे चोरों को पकड़कर कुत्ते लेकर आते हैं। और किस तरह से जम कर रही है रूबी और बॉल को दोनों आंखों के बीच में रखा जावेद आलम जी ने किस तरह से बैलेंस बनाया हैरत अंगेज कारनामे इस वक्त आप देख रहे हैं जावेद आलम जी के साथ। और मैं आपका दोस्त राजेश हरी आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पहला डॉकी हमारा यह है जिसका नाम है रूबी जिसने स्टंट और ये कारनामा दिखाया हैरत अंगेज कारनामे इस वक्त आप देख रहे हैं जावेद आलम के साथ राजेश हरी के साथ रूबी दिखा रही है। और इस वक्त बॉल छुपाने जा रहा है लड़का। अगर अच्छे खासे इंसान के लिए बॉल छुपा दी जाए तो उसको ढूंढना बड़ा नामुमकिन होता है लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगी रूबी। और आंखें की रूबी की बंद है इस वक्त और बॉल छुपा दी गई है। रूबी को कुछ नहीं पता कि बॉल कहां है लेकिन जावेद आलम जी ने इस तरह की ट्रेनिंग दी है कि अभी आपके सामने ही रूबी बॉल को सूंघकर ढूंढकर
लेकर आएगी। अब आप देख रहे हैं कि रूबी चलने की तैयारी कर रही है, हाथ सुंघाए जा रहे हैं उस लड़के के, और ये तेज दौड़ पड़ी है। अब देखिए आप कि किस तरह से रूबी बॉल को ढूंढ रही है, कितनी बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ। यूं तो कुत्तों के अंदर सूंघने की क्षमता बहुत होती है, लेकिन जावेद आलम जी का जवाब नहीं। इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसे डॉगी को ट्रेन किया है, रॉटविलर जैसे को, जो बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है, और इस वक्त रूबी ढूंढ रही है उस बॉल को जो लड़के ने छुपाई थी। अब देखना यह है कि वह कैसे ढूंढ कर लेकर आती है, और आप देख रहे हैं कि पूरी मेहनत मुशक्कत के साथ मिल गई है बॉल, और वो दौड़ के लेकर आ रही है। वाकई शाबाशी के पात्र है रूबी।